हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे घर में पूजा है रुद्राभिषेक की, तो सबको हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय। और अभी सारी तैयारी जो कि हो चुकी है, चल के अभी मैं घर पे अंदर दिखाती हूँ। और ये है मेरा फुल गेटअप जो कि मैंने रेड साड़ी पहनी हुई है, और फिर मैं चलती हूँ। पंडित जी आ चुके हैं अंदर, तो मैं अभी पंडित जी से मिलवा। हाँ, पंडित जी मूर्ति बना रहे हैं शंकर भगवान की ना, पंडित जी शंकर भगवान की मूर्ति बन रही है। और यहाँ पे पंडित जी मूर्ति बना रहे हैं जो कि बहुत सुंदर, बहुत अभी आप लोग देखिएगा, मैंने तो टाइम लैप्स लगा दिया है, और आप लोग देखिएगा इतने सुंदर भगवान जी मूर्ति बनाएंगे कि मैं क्या बताऊँ। और हाँ, आज मैंने साड़ी को मतलब सीधे पल्ले में पहना था, मेरा बहुत मन कर रहा था सीधा पल्ला पहनने का, और सिर्फ पूजा प्रतिष्ठा में सीधा पल्ला पहनना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं तो मतलब सारे लोग घर में रेडी थे, पंडित जी आए और मिट्टी ले के आए थे, पंडित जी मिट्टी अपने साथ ले के आए थे बनाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी थी। और आप लोग एक चीज़ गौर करिए, मैं उल्टी साइड से दिखा रही हूँ आपको, और सॉरी। और यहाँ पे मेरी बेटू जो है गिर गई थी बेड से, मैं बाहर थी और पापा इनके अंदर थे, पता नहीं कैसे क्या थी, तो बहुत रो रही थी, उसको मैं चुप कराने चली गई थी। तो इन्होंने पांच मूर्ति बनाई थी पंडित जी ने, जो कि कार्तिक जी की थी, पार्वती जी की थी, और गणेश भगवान की थी, और नंदी गाय थी, और पाँचों ही बहुत अच्छी मूर्ति थी। तो ये देखिए मूर्ति आपको दिखा रही हूँ मैं, जो कि इस साइड में शंकर जी जैसे लग रहे हैं, और आप सीधे साइड में जब देखेंगे तो आपको जैसे गणेश भगवान लगते हैं, अभी उस साइड में जब अभी देखेंगे तो आपको गणेश भगवान लगते हैं, ये देखिए। और इसी के साथ इधर से गणेश जी और उधर से शंकर जी लग रहे थे, ये मतलब इन्होंने पंडित जी ने इतनी अच्छी से मूर्ति बनाई थी। इसके साथ आ गए हैं पूजा में बैठने के लिए। अब मैं बताऊंगी रुद्राभिषेक कैसे होता है, और सारी नवग्रह की पूजा क्यों होती है, इसके अलग अलग ब्लॉग आएंगे, वैसे ब्लॉग बहुत लंबी हो जाती, बातें बहुत ज़्यादा सीखने की मिली। और पंडित जी से अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, आप फैजाबाद में हैं, तो आप मेरे पर कमेंट करिएगा, मैं पंडित जी को नंबर दे दूँगी। तो पंडित जी बहुत अच्छे हैं फाइनली, और अब पूजा शुरू हो गई, तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए। उसके साथ ये दीपावली पहना देते हैं, तो जब हम पूजा का संकल्प करवाएंगे उसी के साथ वो संकल्प बराबर हो जाएगा, इसलिए किसी के पोषा का स्पर्श ना किया जाए उसको, ये भी हम पहले पूछे हैं। आप पहने इसका तात्पर्य यह होता है कि हे मातेश्वरी, हे विष्णु पत्नी, किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में यदि इस भूखंड में अशुद्धि हो, इस जल को ग्रहण करिए और इस स्थान को पूर्णतः पवित्र करिए, क्योंकि मैं आपकी गोद में बैठ करके भगवान का पूजन करने जा रहा हूँ। ऐसे भाव से आपको यह जल देना। श्री हरे अम्मा हम से चंद्रमणि महामाय दिव्य दिव्य तेज समृदात देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कृष्ण श्री महामायभ्यो नमः प्रणाम्यम नमस्कारामि। बस तक देवियों की शक्ति रहती है किसी पुरुष पर, तब तक उनका वर्चस्व रहता है, और जैसे वहां से हाथ हटा कर उनको श्री घोषित करने में कोई कसर नहीं रहता, ये क्षमता होती है श्री की। आप नवग्रहों में शुक्र हैं, आपके लिए ये है और इनके लिए ये आप है। अभी हम प्रतिबिंब स्वरूप माता गौरी के शरण में नहीं जा सकते, अभी हमको आद्य गणेश और आद्य गौरी का सानिध्य लेना है। जैसे एक कहावत आई थी सामने की प्रश्नवाचक शब्द आया कि यदि गणेश का पूजन होता है तो भोले की शादी में गणेश पैदा नहीं हुए थे तो कहाँ से पूजन हुआ, वहां भी हुआ था, क्योंकि वो आदि और अनंत यानी जिसको आद्य गणेश कहा जाता है, इनका न कोई अंत है न कोई आदि है, वही है जो कि सुपारी के लंबोदर बनते हैं, यानी गणेश जी बनते हैं और गोवर्धन गौरी बनते हैं। हे अम हे रम महेश पुत्र समस्त विघ्नाग विनाश दक्ष मांगल्य भोजाम प्रथम प्रधान गृहाण भोजा। और यह है कौन, हमारे ही मकान के बाहरी दीवार में विराजमान वसु स्वरूप जो नाग देवता है वही है। जैसे आपने यदि मुहूर्त करवा करके इसका नियम स्थापन करवाया होगा तो उस टाइम पे पंडित जी नाग पूजन करवाए होंगे, उसका स्थापन करवाए होंगे। और जो हमारे पिताजी होते हैं उनका मोह भंग नहीं होता, मरणोपरांत तो भगवान से झगड़ा करके हमारे ही परिवार में आते हैं, तो वही आकर के उनको भगवान उसी नियम में स्थान दे देता है, वहीं से देखो, और हम नश्वर शरीर उनको नहीं पहचान पाते, वो हमको पहचान रहे हैं।
हम अपने राग में मगन है, आ रहे हैं जा रहे हैं, और उनको ये समझ में आ रहा है कि देखो हम तो दौड़े चले आए लेकिन बच्चा हमारा ये भी नहीं करा पाता खाओ कि नहीं खाओ। ऐसी भावनाओं में पढ़ के तब उनको याद आता है कि भगवान सही कह रहे थे कि संसार में कोई किसी का नहीं है, तो धीरे धीरे वहीं पे मोह का मर्दन होने लगता है। प्रज्वल देवो ज्योतिर्मस्ते दीपस्त दिवराभ्यो नमः। पूजा दीप की रक्षा करने के लिए एक दिशा में हनुमान जी गदाधर लेकर के विराजमान है, दूसरी दिशा में बटुक भैरव विराजमान है, ये दोनों दीपक की रक्षा करते हैं। ओम हरि अम ओम उल्लंग सिंधु आदाय तेन दधा हलंगा यजमानस्य हस्ते ताम्बूलपत्र स्थले अक्षत पुष्पाणि रुद्रस्य गणेश पंचायतन पूजनेन आख्येन तथैव गणेश गौरी कार्तिकेय शुद्धे आचरेयम् मां वाद्यवाद्यं मस्तवर्ग्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगी अस्नानयन् समर्पयामि नमस्कारम् पुनः जलम् अस्नानयन् समर्पयामि शुद्ध जल का स्नान करामि गंधोदक अस्नानयन् हरिद्राम अस्नानयन् समर्पयामि नमस्कारमि तथैव हम वही आ रहे हैं। इधर से इधर इधर देखो सिद्धू, जब तक की रुद्राभिषेक कर्म हो रहा है तब तक आप इस प्रकार से जप करते रहिए जी। ये बिल्ल पत्र पे ही दूध की धार गिरेगी, ठीक है। ओम हरि अम्मा उदो प्रभोस मंगलम वाई चेत मंगलुदाह अविदोषितो दिक्षो हो सिताह शास्त्र वाई गागु गेड़ भी नहीं हमें लगा गिरा नहीं है भाग क्या हो गया। चलिए रुक जाइए, ये वाला भरा है दुग्धधारा अभिषेक कर्मणा श्री भवानी शंकर पाथरेश्वर महारुद्र प्रियंताम नमः ऐसे गए नीचे के ऊपर बोलो ओम सदा शिव अर्पणम अस्तु। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब वो जो जल है वो लोटे से डाल दीजिए, आप ही डाल दो, इसको इसको उठा के उधर रख दीजिए। ऐसे कोई भी वस्तु यदि आपको समर्पित करना है जैसे मंदिर में हो या घर के पूजन में हो, भाई दबे पंडित का दिमाग कहीं और है नहीं भी वो बता पाया, तो भी ये यजमान की चतुराई है, यानी कि भगवान डाल डाल चल रहे हैं तो यजमान तो भक्त कहाँ चल रहा है पात पात, वो पत्ते पत्ते पर चल रहा है कि कहाँ भागोगे। तो कहने का मतलब ये है श्रद्धा श्रद्धा कहाँ तक पहुँच रही है, श्रद्धा ये पहुँच रही है कि भगवान मैं आपको समर्पित कर रही हूँ।
तो भगवान मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, तो हो सकता है भगवान का नजर कहीं और है और वो पकड़े और एकाध वस्तु यदि गिर गई तो भीड़ में न गिरने पाए, कहाँ गिरेगा। हाँ चलो, बहुत लोगों में ऐसा देखते हैं कि पता नहीं कौन सा एक घर को सलाह किया ऐसे करके उसके बाद मत्था टेकते हैं। अरे भगवान जो कुछ तुम्हें देंगे वो तुम्हारे हाथ में देंगे, तो हाथ तो पीछे करके बैठे हो, तो बस यही तो है कि सकल पदार्थ है जग में, कर्म ही नर पावत नहीं है। जरा सा कर्म उटपटांग हो गया अब यहाँ थोड़ी लेंगे। श्रद्धा, श्रद्धा में विवेक बढ़ता है। ये इसको हाथ में लेकर के अब आप पहुंच जाइए सीधे कौन से स्थान पे, आपके घर में जहां पर कुल देवी का स्थान बनता है, मैहर पूजा जाता है इत्यादि में, वही मंदिर में गोबर की पिंडी बनती है। साथ हम दोनों बहने मतलब कि अपने इनको भी सम्मिलित कर लो साथ में, आपको वस्त्र यथाशक्ति वस्त्र के साथ में आभूषण या श्रृंगार पेटिका सौभाग्य द्रव्य इत्यादि हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आप इसको ग्रहण करिए। कुछ 10-11 रुपए उस पे दक्षिणा रख दो, लिंगारिकता अभाव है, किसी प्रकार का अभाव रह गया वो तो उसकी पूर्ति करेगा। अंगारे अम अंगारे बदमाश जय मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदास श्री हरि ओम शिवनारायण श्री नारायण नमो नारायणाय मम श्री नागेन्द्राय त्रिलोचनाय वसुमांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पुष्प माल्याम निवेदयामि नाना पंकज पुष्पेश घृतां पल्लवैरत्नं पैलवैरभी बिल्वपत्राय ताम्बालां गृहाणस्य मनोहरः और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये पूरे 5-6 घंटे की पूजा थी जो कि मैंने 12 मिनट में पूरा कट करके दिखाया था। मैंने पूरा नहीं दिखाया, जो मेन चीज़ें हैं उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, जरूर आप लोग देखिएगा, कुछ अच्छा ही आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ मेरी बेटी जग चुकी हैं जो कि लास्ट में आई हैं बेलपत्र चढ़ाने माता जी को। तो अगर अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।